तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाई, गुण गावो सियाराम के हनुमत हो सहाय। सियावर राम चंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, समस्त संत चरणों की जय, समस्त भक्त चरणों की जय, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रभु की अहेतु की कृपा से इस बार फिर ये अवसर प्राप्त हुआ है। कल जहां बात छोड़ी थी बिना भूमिका के, वहां से शुरू करते हैं। प्रताप भानु कैसे रावण में परिवर्तित होता है, गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर ढंग से उस विषय को हम सब के बीच समझने के लिए रखा। हमारे अंदर ये वृत्ति आ रही है क्या, यही हमारे चिंतन का मूल उद्देश्य भी है और राम कथा का, रघुनाथ गाथा का प्रयोजन भी यही है। राम को दुनिया में क्यों आना पड़ा, तो गोस्वामी जी ने कहा असुर मार था वही सुरन राखहि निज श्रुति सेतु, जग विस्तार ही विसद जस राम जन्म कर हेतु। इन आसुरी वृत्तियों का विनाश करके सत प्रवृत्तियों की स्थापना करना, और ये आसुरी वृत्तियां बाहर नहीं है। रामचरितमानस की सबसे बड़ी जो खास बात है वो ये है कि आसुरी प्रवृत्तियों को बाहर नहीं देखते, सब चीजें हरेक के अंदर हैं। रावण भी हमारे अंदर है, दशरथ भी हमारे अंदर हैं, राम भी हमारे अंदर हैं, सीता भी हमारे अंदर है, सूर्पनखा भी हमारे अंदर है, मंदोदरी भी हमारे अंदर है, बाली भी हमारे अंदर है, सुग्रीव भी हमारे अंदर है, मानस के समस्त पात्र प्रत्येक जीव मात्र के अंदर समाहित हैं। कौन कौन सी वृत्तियों का शमन करके किन किन सत प्रवृत्तियों को उभारना है, यही रघुनाथ गाथा है। और ऐसा भी नहीं होता कि एक बार अगर सत प्रवृत्तियां आ गईं तो फिर दुष्प्रवृत्तियां नहीं आएंगी। मानस की मान्यता एकदम अलग है, इसीलिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े पात्रों की चर्चा की। गोस्वामी जी की दृढ़ मान्यता है गुण और दोष सबके अंदर विद्यमान है, यदि सतत सावधानी नहीं रखी कितने ही सदगुणों के बावजूद साधारण सा दिखने वाला दोष सारे सदगुणों को समाप्त करके हमारे पतन का कारक बन सकता है। प्रताप भानु की कथा से भी कल हमने यही सूत्र ग्रहण किया। इतना श्रेष्ठ राजा लेकिन अंदर की एक छोटी सी दुर्बलता महत्वाकांक्षा के कारण अंततः रावण में परिवर्तित हो जाता है। और बड़े पात्र की चर्चा गोस्वामी जी ने की है, नारद जी की कथा हम सबने सुनी है। राम जन्म के कारण बताते बताते भगवान भोलेनाथ ने एक वाक्य प्रयोग किया, पार्वती जी को कथा सुना रहे,
और राम के अवतार के कारण कौन कौन से हैं, उनमें सुनाते सुनाते उन्होंने कहा, नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक तेह लगे अवतारा। गिरिजा चकित भई सुने बानी, नारद विष्णु भगत पुन ज्ञानी, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहो पुरारी, मुनिवन मोह आचरज भारी। बोले बेहसे महेश तब, ज्ञानी मूढ़न कुए, जेने जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि चन हुए। यही मानस का दर्शन भी है, दुनिया में न कोई ज्ञानी है और न कोई मूढ़। परमात्मा जिसको जब जैसा बनाना चाहता है वह तब वैसा हो जाता है, इसलिए अत्यंत सजगता की जीवन में आवश्यकता है। और सजगता मतलब क्या? सतत परमात्मा के चरणों में ही ध्यान, इसलिए निरंतर राम राम। बड़ा सरल था दर्शन में, कोई संत समझा रहे थे क्यों कहते हैं हम दो बार राम राम। आनंद के लिए उन्होंने अपनी व्याख्या कर दी, हिंदी वर्णमाला में रा 27वें स्थान पर आता है व्यंजनों में, का से मा तक 25, और या और रा, तो रा का स्थान है 27वां, उस पे आ लगा हुआ है बड़ा, उसका स्वरों में स्थान है नंबर 2, और मकार का क्रम है व्यंजनों में 25वां। 27, 2 और 25 मिला के हुए 54, और 54 दो बार हो गए तो हो गए 108। जैसे ही आपने कहा राम राम जी, 108 की माला पूरी हो गई, और सामने वाला पलट के कहता है राम राम जी, राम राम जी। ये भारतीय पद्धति है, इसमें सहज ढंग से 108 की माला दो बार राम कहते ही पूरी हो जाती है। संत अपने ढंग से आनंद के लिए बात कहते। बहुत बड़े पात्र उन्होंने चुने, प्रताप भानु रावण बन गया, अरिमर्दन कुंभकर्ण बन गया। हमारी स्थिति इनसे बेहतर है क्या विचारना हमको है? रोज महत्वाकांक्षा के जंगल में जा रहे हैं, रोज लोभ के सुअर के पीछे जा रहे हैं, और प्रतिदिन कोई ना कोई कपट मुनि मिल जाता है जो हमें महत्वाकांक्षा पूरी करने का मंत्र दे देता है, और धीरे धीरे हम रावण बनने की ओर बढ़ते जा रहे। और ऐसा प्रताप भानु होता है, ऐसा नहीं हुआ तो मानस ने कहा कि नारद जी का भी यही हुआ, हम उनसे बड़े तो हो नहीं सकते। तो नारद का चरित्र उन्होंने किस लिए लिया? गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। बहुत सुंदर सा विवेचन है, इतनी भक्ति है गुरु के प्रति पार्वती जी के मन में, नारद जी मेरे गुरु हैं, और नारद ने नारायण को श्राप दे दिया, निश्चित रूप से नारायण ने कोई ना कोई गड़बड़ की होगी, क्योंकि मेरे गुरु तो कुछ गड़बड़ कर ही नहीं सकते, इतना गुरु भक्ति का भाव। क्या गड़बड़ की नारायण ने? तब कहा शंकर भगवान ने हंस के, बोले बेहसे महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई, न दुनिया में कोई ज्ञानी न कोई मूढ़। क्या गड़बड़ हुई? सावधानी हटी, यही नारद प्रसंग है। नारद जी के जीवन की खासियत है, ढाई घड़ी से ज्यादा एक स्थान पर ठहरते नहीं है, एक घंटे से ज्यादा। एक घड़ी होती है 24 मिनट की, ढाई घड़ी का एक घंटा। नारद जी को श्राप है, पता नहीं ये श्राप है कि वरदान, विधाता जाने। एक स्थान
स्थान पर ठहरना नहीं, क्योंकि संत की प्रवृत्ति है रामता जोगी महता पानी, टिकने की आवश्यकता नहीं। तो ईश्वरीय वरदान है, कहीं एक घंटे से ज्यादा ठहरो मत। नारद जी निरंतर नारायण नारायण जपते जपते घूमते रहते, हिमालय की सुंदर गुफा देखी, मन हुआ बैठ के भजन करता हूं, और भजन करते समय दुनिया का कोई श्राप कारगर नहीं हुआ करता। ये फिर सूत्र दिया उन्होंने, भजन करने के लिए न स्थान देखने की जरूरत है, न घड़ी देखने की जरूरत है, आप तो जब मन करे और जहां मन करे बैठ जाओ। इस बाहर की दुनिया से नाता तोड़ो, आंखें बंद करो और अपनी दुनिया में चले जाओ, आनंद की दुनिया है। सो मैंने तो हर ही श्राप गति बाधी, जैसे ही भगवान का स्मरण किया श्राप की गति बाधित हो गई, सहज विमल मन लागी समाधि। अभी हमारे लिए संभव नहीं है, हमारे लिए तो उल्टा होता है ना, जैसे ही आंखें बंद करते हैं विचारों के रेले चले आते, ध्यान करने के लिए आंखें मूंदते ही वो विचार भी आते हैं जो सामान्य खुली आंखों में कभी नहीं आते, क्योंकि मन विमल नहीं है। इसलिए संत ने एक ने समझाया ना, एक बड़ा अच्छा जिज्ञासु संत के पास गया, मन हुआ कि ध्यान सीखना है। जाते प्रश्न कि हमारा जैसे ही ध्यान करने के लिए आंखें बंद करता हूं, जाने कहां कहां से विचार आते, इसका कोई समाधान है क्या? संत ने समझाया, वास्तव में जानना चाहता है। हां, 7 दिन बगल की कुटिया में रहे, 7 दिन बाद आना। जाने लगा तो कहा कि ये पिल्ला घूम रहा है, इसको ले जा साथ में, इसको जरा ध्यान रखना, इसको कोई कष्ट ना होने पाए। ले गया, दोनों कुटियाओं के दरवाजे खुले हैं, गेट नहीं है। बड़ा दुखी था मन ही मन, कहां फंसा दिया संत ने, ये बाबा भी बड़े विचित्र होते हैं, कह कुछ सकता नहीं, बहुत जिज्ञासु है, ध्यान सीख रहे हैं। पिल्ला और वो नलाता है, दुलाता है, खिलाता है, जैसे जैसे एक एक दिन बड़ी मुश्किल से काट रहा है। गिर गिर के दिन काटे, 7 दिन हो गए, शर्त पूरी हुई, सीधा पहुंचा महाराज, 7 दिन हो गए। बाबा ने बड़े आदर से कहा, बैठ जा। बैठा, जैसे ही बैठा तो महाराज ने कहा, अरे ये पिल्ला कहां ले आया तू, क्योंकि पिल्ला तो पीछे पीछे आ गया, ये पिल्ला तो बाहर छोड़ गया, तब तो ध्यान सिखाना, ध्यान सिखाऊंगा, चला गया बाहर, पिल्ला छोड़ के आया, आके फिर बैठा, तब तक पिल्ला फिर पीछे पीछे आ गया। महाराज ने कहा, बेटा पिल्ला तो बाहर छोड़ गया, 3-4 बार ये क्रिया दोहराई गई, पिल्ला बाहर छोड़ के आता है, आके बैठता है, तब तक पिल्ला फिर आ जाता है, क्योंकि 7 दिन में हिल गया था। संत ने कहा, तू समझा कि नहीं? उसने कहा, साहब मैं तो कुछ नहीं समझा। बोले, 7 दिन जिस पिल्ले के साथ रहा है वो तेरा पीछा नहीं छोड़ता, 23 घंटे हम जो पिल्ले पालते हैं दिन में, जैसे ही 24वें घंटे में ध्यान में बैठते हैं ये पिल्ले पीछे पीछे चले आते हैं, ये पिल्ले पालना बंद करने पड़ेंगे 23 घंटे, तब 24वें घंटे में ध्यान लगेगा। नारद जी का तो झंझट ही नहीं है ना, पिल्ले पालना बंद करने का सूत्र क्या है? सहज सूत्र है एकदम। दुनिया में रहो चाहे जैसे रहो, रसखान कहते हैं, रसखान गोविंद ही यो भजिए, जे में नागर कोचित गागरी में। राजस्थान में आज भी प्रचलित है और गांवों में पहले था, जितनी महिलाएं होती थी वो पानी भरने के लिए कुएं पर जाती थी, सर पर 2 घड़े, कई बार 3, बगल में 1 घड़ा, हाथ में बाल्टी, कंधे पे रस्सी, इतनी सारी चीजों के बीच वो सारी पनिहारें आपस में हंसी चिटोली करते हुए आनंद से 4-5 किलोमीटर का रास्ता तय करती थी। न किसी का घड़ा गिरता था और न हंसी चिटोली में कमी होती थी। हंसी चिटोली संसार है और घड़ा परमात्मा है,
रसखान गोविंद ही यो भजिए, जेमे नागर पहुंचे तब गागर में। व्यवहार में कहीं भी कुछ भी कर रही हो, पैर कहीं चल रहे हैं, हाथ कुछ पकड़े हैं, लेकिन चित्त कहां है? वो गागर में है। यही काम हमको करना है। इसीलिए कहा जाता है संतों द्वारा, कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। रघुनाथ गाथा यही है, जिसने भी मन को कृपा निधान में लगा दिया उसको किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। संसार में चाहे जैसा काम किया उसने, पर चित्त अगर वहीं लगा हुआ है तो दिक्कत नहीं। नारद जी ने चित्त वहां लगाया, श्राप की गति बाधित हो गई, समाधि लग गई। और समाधि लगी तो फिर समाधि समाधि है, और इंद्र भारी परेशान रहता है बेचारा। जैसे ही कोई तपस्या करता है तो इंद्र की परेशानी क्या है? मेरा इंद्रासन लेने के चक्कर में ही हुआ निश्चित, क्योंकि उसे कुछ और दिखाई नहीं देता। गोस्वामी जी ने बड़ा खराब शब्द प्रयोग किया इंद्र के लिए, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा खराब कोई कर सकता है। सूख हाड़ले भाग सठ स्वान निरख मृगराज, छीन ले जिम जान जड़, तिम सुर पते ही नलाज। इतना कठोर शब्द प्रयोग किया इंद्र के लिए, सूख हाड़ले भाग सठ। कुत्ता सूखा हाड़ लेके सिंह को देख के दौड़ लगा देता है, और भागता काहे के लिए? ये शेर आ रहा है कहीं मेरा ये हाड़ नहीं छीन ले। उसकी दृष्टि इसी बात में है, जो मेरे पास है वो कहीं चढ़ा नहीं जाए। इंद्र की वृत्ति है, इससे हमेशा बचना है हमको। नारद जी के शाप को देख के इंद्र की परेशानी, और इलाज एक ही है, काम। राम के मार्ग की बाधा बनाई जा सकता है काम को। कहा काम को बुला के नारद जी तपस्या कर रहे हैं, मेरा पद खतरे में, जाओ और जाके नारद जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करो। लेकिन फिर सूत्रमास का है, जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। नारद जी के मन में क्या है? राम। इसलिए काम का रत्ती भर भी प्रभाव नारद जी पर नहीं पड़ा। काम ने सारे प्रयत्न कर लिए, नारद जी रत्ती भर भी प्रभावित ही नहीं हुए। तो काम ने पराजय स्वीकार कर ली, पर नारद जी के चरणों में प्रणाम करके अपनी हार स्वीकार करते हुए कहा, धीरे से कान में एक वाक्य बोल गया, तुम सा नहीं देखा। बड़ा खतरनाक वाक्य है। नारद जी ने सब जीत लिया। नारद जी को मन में कोई क्रोध भी नहीं आया कि तू मुझे परेशान कर रहा था। भयउ न नारद मन कछु क्रोधा, प्रति भर भी रोष नहीं। भयउ न नारद मन कछु रोसा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। अत्यंत तुष्ट किया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं, तुम्हारा तो काम है, तुमने किया। कोई लोभ नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई मोह नहीं है नारद जी के जीवन में। इतना श्रेष्ठ व्यक्तित्व, ध्यान रखना कथा गाई के लिए चल रही। इन नारद जी का क्या हुआ? इसको रामचरितमानस में कहा गया नारद मोह। ये सब चीजें नारद जी के जीवन में आई, काम भी आया, क्रोध भी आया, लोभ भी आया, कुछ नहीं बचा, जरा भी नहीं बचा एक भी चीज। गड़बड़ कहां से हुई? इस एक वाक्य से, प्रशंसा का वाक्य जैसे ही कान में पड़ा, यह है कुंभकर्ण वृत्ति। कुंभकर्ण जिसके कान घड़े के समान है, इस कान का काम क्या है? कान का विषय है शब्द। हर इंद्रिय का अपना विषय है, और कान का विषय है शब्द।
कान सुनना चाहता है, पर सुनना क्या चाहता है? प्रशंसा। साधारण कान की स्थिति क्या है? ये कुंभ है जो कभी नहीं भरता प्रशंसा सुनते सुनते। जैसे ही कान में प्रशंसा का वाक्य पड़ता है, अंदर पुलकित हो जाता है मन। रात को मैं टेलीफोन लगा लेता हूं कुछ श्रोताओं को, कैसी लगी कथा? और उधर से अगर ये वाक्य आ जाए, बहुत खराब, मुझे लगता रात भर नींद नहीं आएगी। लेकिन श्रोता बड़े समझदार हैं और ये आज तो बहुत आनंद आए। मालूम है ना, कुंभकर्ण है, इस कर्ण में ये प्रशंसा भरनी है, बड़ा खतरनाक है। मानस बहुत बहुत ही सुंदर सूत्र देता है जीवन के। तो कुंभकर्ण की खासियत क्या है, आगे चर्चा करेंगे। नारद जी के मन में धीरे से डाल गया, तुम सा नहीं देखा। अब नारद जी व्याकुल है दोबारा से प्रशंसा सुनने के लिए। सब जीता हुआ है लेकिन प्रशंसा की चाह मन में पैदा हो गई। ब्रह्मशाला में पहुंचे और ब्रह्मशाला में जय जयकार हो रही थी, क्योंकि कामदेव ने मुनि सुशीलता आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। कामदेव ने बार बार वर्णन किया था नारद जी कितने उच्च स्तर के संत हैं, मैंने कितनी कोशिशें की लेकिन नारद जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे ही नारद जी पहुंचे तो देव सभा में जय जयकार होने लगी, नारद जी की जय हो, यही सुनने तो गए थे। लेकिन और बढ़ गया, कुंभकर्ण है ना, ये घड़ा भरता नहीं, प्रशंसा की और चाह। अब कहां जाऊं प्रशंसा सुनने के लिए? फिर कथावाचक किसको ढूंढता है? तो बड़ा विद्वान होता है उसके पास जाता है। आपको कैसी लगी इच्छा? बहुत प्रबल है, उस बड़े विद्वान से समर्थन चाहिए। तो काम विजय का समर्थन नारद जी किससे चाहते? भगवान भोलेनाथ से। भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच गए, हमेशा जाते थे। भगवान भोलेनाथ बहुत आदर करते थे नारद जी का, क्योंकि नारद जी जाते ही रामचरित सुनाते थे। जैसे ही नारद जी गए, भगवान भोलेनाथ ने बिठाया, आओ देव ऋषि कुछ सुनाओ, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का प्रिय विषय है रामचरित। और नारद जी विशेषज्ञ, बड़ी उत्कंठा से सुनते थे, इंतजार करते थे। आदमी जैसे ही बिठाया, पर आज कथा बदल गई। इच्छा तो ये थी कि यही कुछ कहें, पर भगवान भोलेनाथ को कामचरित में कोई रुचि नहीं है, इसलिए उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। नारद जी छटपटाने लगे, ये तो कुछ बात ही नहीं कर रहे। जब बात नहीं कर रहे तो खुद ही शुरू कर दो। मार चरित शंकर नहीं सुनाए, राम और मार में कोई अंतर नहीं है, बस क्रम बदला है व्यंजनों का, रकार अकार और मकार, इन तीन ही व्यंजनों से राम भी बना है और इन्हीं तीन व्यंजनों से मार भी बना है। जीवन में क्रम का ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्रम चूका और राम कब मार में बदल जाए, ये तब समझ में आएगा जब मार की मार पड़ेगी। बहुत देर में जाता है फिर शरण में, और कई बार तो इतनी देर हो जाती है कि फिर पहुंचना संभव नहीं होता। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जाने महेश सिखाए। पूरा सुनाने के बाद भी नारद जी ने देखा इनकी तो कोई टिप्पणी ही नहीं है, तो पूछ लिया कैसी लगी कथा। पर भगवान भोलेनाथ तो त्रिभुवन गुरु हैं और गुरु हमेशा कल्याण के लिए कहता है। भगवान भोलेनाथ ने कहा सही सही बता दूं, यहां सही सही तो बताओ। ये आज के बाद ये कथा किसी को सुना नहीं, मत बंद नहीं कर दो कथा सुना, इससे कठोर टिप्पणी हो सकती है क्या कोई? इतनी कठोर टिप्पणी की, अति प्रिय जाने महेश सिखाए, बार बार बिनवो मन तो ही, जिमे हर कथा सुनायो वही, तिमे जन हर ही सुनावो कबहु, चले प्रसंग दुरावो तो। भगवान
विष्णु को मत सुनाना कभी, अगर वो अपनी ओर से शुरू करें तब भी इस प्रसंग को तुम छिपा लेना। सुनने गए थे प्रशंसा और सुननी पड़ी निंदा, ये कान का स्वभाव ही नहीं है। और स्वभाव नहीं है तो क्या होता है? शंभु वचन मुनि मन ही न भाए, कथे अच्छे नहीं लगे और ईर्ष्या पैदा हो गई। दुनिया ऐसे ही कहती है इनको भोलेनाथ, काय के भोलेनाथ। कंपटीटर समझ रहे हैं मुझे, क्योंकि इन्होंने काम जीता है, मैंने भी जीत लिया, इनको लग रहा है मेरी इज्जत कम कर दी इन्होंने। ईर्ष्या। विष्णु भगवान के पास पहुंच गए और विष्णु भगवान ने भोलेनाथ में, विष्णु भगवान ने यही अंतर, भोलेनाथ सीधी सीधी बात करते, विष्णु भगवान सीधी नहीं करते। और जैसे ही विष्णु भगवान के पास पहुंचे, विष्णु भगवान ने कहा बहुत दिनों में आए, इस बार काय में लगे रहे, शुरू काय में लगे रहे, बता दिया कुछ नहीं, तपस्या करने बैठा था, वो कामदेव आया पर जीत लिया। सारी कथा सुना दी, मार चलित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम वरज सिर राखे। शंकर जी ने खूब समझाया था लेकिन रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कान को प्रशंसा सुनने की चाह है। भगवान विष्णु तो विष्णु है, करुणा निधि मन दीख विचारी, और अंकुरे गर्व पर उभारी। देख लिया इनके हृदय में एक गर्व का अंकुर उदित हो चुका है। बेकिसों में डारे हो मुखारी, परमात्मा की शरण में है नारद जी, इसलिए चिंता परमात्मा की है। इनके हृदय में जो अंकुरित हुआ है गर्व का तरु हो जाएगा, विशाल वृक्ष न बन जाए, इससे पहले वो उखाड़ना पड़ेगा। शुरू हो गई इलाज की प्रक्रिया, डायग्नोस हो गया, और डायग्नोस होते ही रेमेडी चालू। रूख बदन करे वचन मृदु, पोले श्री भगवान। बहुत ध्यान से शब्द देखें, रूख बदन, बदन यानी चेहरा, चेहरा एकदम रूखा है। जब कोई नकली प्रशंसा करता है तो चेहरा रूखा होता है। वचन मृदु, शब्द बहुत मीठे हैं। तुम्हारे सुमिरन ते मिटहिं मोह मार मदमान। क्या बात कर रहे हो नारद जी, जरा सा काम दे, तुम्हारे तो स्मरण मात्र से भी काम क्रोध लोभ मोह मद सब दूर हो जाते। नारद जी इतने खुश हुए, ये हैं सही भगवान। नारद कहियो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान, आपकी कृपा है प्रभु। जब आदमी ऐसा बोलता है तो बड़ा खतरनाक होता है, अंदर ही अंदर कह रहा है तुम्हारी गाय की कृपा, और ऊपर से शब्द उसका होता है आपकी कृपा है। ये सारा शब्द रचना मानस में बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने वर्णित की। और उसके बाद नारद जी के जीवन का क्या हुआ आपको मालूम? नारद जी के जीवन में ये सब आया जिससे वो बचे थे। जैसे ही रास्ते में चले शीलन जी के यहां, देखा उन्होंने उसकी कन्या का स्वयंवर की तैयारी चल रही है, नया नगर देखा, उन्होंने कहा ये मुझसे कहां छूट गया। राजा ने देखा नारद जी आए, पुत्री को बुलाया, प्रणाम कराया। नारद जी ज्योतिष के विशेषज्ञ हैं, इसलिए कहा कुछ लक्षण बताएं पुत्री के। नारद जी ने जैसे ही पुत्री का हाथ देखा तत्काल वो आया अंदर, जिसको जीतने का दंभ पैदा हुआ था, काम को जीत लिया है ऐसा भ्रम नारद जी को हो रहा था। अब तक काम उदित हुआ हृदय, हाथ में लक्षण देखे, जो यही मरे अमर सो होई, समर भूमि ते जीतन कोई, सेवय सकल चराचर ताही, बरे सीधा निधि कन्या जाही। माया है परमात्मा की, परमात्मा की शक्ति का ही अंश बता रहे हो। विश्वमोहिनी
नारद जी ने हाथ देखने के बाद कहा कि इसका विवाह तो मेरे ही साथ होना चाहिए। दूसरी चीज क्या नहीं पैदा हो गई, कपट नारद जी के अंदर पैदा हो गया। ये बता दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, ये मत बताओ कि ये इतनी गुणमान है। लक्षण सब विचार राखे, कछु को बनाए भूपसन बाके। जिंदगी में जो काम नारद जी ने कभी नहीं किया, झूठ बोलना, वो काम नारद जी ने किया। वास्तविक लक्षण थे, उनका वर्णन ही नहीं किया, कुछ बना के राजा से कहते ठीक है अच्छी है। और नारद जी की स्थिति का वर्णन गोस्वामी जी किन शब्दों में करते, जब तप कछु न होए ते काला, हे विधि मिले कवन विधि वाला। ये कैसे मिले? नारद जी का चिंतन एकदम काम पहुंच गया, शुद्ध काम पर। राम गाये वह मन से, काम नारद जी के चिंतन का केंद्र बिंदु बन गया। पर भक्त हैं, मिलेगी कैसे? अभ्यास जिंदगी भर का पतन से कैसे बचाता है? अभ्यास है, मदद किससे मांगू? तो कहा हरिसन मांगू सुंदरताई, क्योंकि स्वयंवर में तो सुंदरता की जरूरत है और सुंदरता मेरे परमात्मा के अतिरिक्त और कहीं नहीं है। यह अभ्यास है। इस अभ्यास के कारण कहां पहुंच गया भक्त? परमात्मा का फिर चिंतन वापस आ गया। प्रार्थना की, और प्रार्थना करने की देर थी, वहां तो परमात्मा तो तैयार खड़े थे सामने प्रकट। कौन नारद? और नारद जी ने कहा आप सब जानते हो, अब तो एक ही इच्छा है बस, वो कैसे मिलेगी? बोले तुम बताओ। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावो मोही। और कैसे भी नहीं मिलेगी, आप अपना रूप दे दो। पर नारद जी ने धीरे से कह दिया, जिसमें मेरा हित तो हो आप वो कीजिए। और इसमें मजेदार किस्सा क्या है, भक्त को भगवान की सामर्थ्य पर तो पूरा भरोसा होता है, पर भगवान की बुद्धि पर थोड़ा कम भरोसा होता है। ये हम सब की आदत है, मंदिर में जाते ही हमें मालूम है ना हनुमान जी को बहुत ताकत है, सारी इच्छाएं हमारी पूरी कर देंगे। पर हम ये जानते हैं कि हनुमान जी को ये थोड़ी पता है कि हमारी इच्छा क्या है, ये हम बताएंगे। और धीरे धीरे तारे बिना मांगे तो मां दूध भी नहीं पिलाती। हनुमान जी को इच्छा अपनी बताते ही, प्रभु इस साल तो बस पास करवा देना। कुछ तो बेचारे ऐसे भी मांगते शादी करवा दे। कितना क्रोध आता होगा हनुमान जी को, जो काम में अपने लिए नहीं कर पाया वो डिमांड कर रहा है। परमात्मा की बुद्धि पर भरोसा कम। नारद जी ने कहा कि मेरा हित जिसमें हो वो करना, जय भी दिनाथ होए हित मोरा, सोई प्रभु करो दास में तोरा। भगवान तो बहुत ही कर रहे हैं। भगवान ने धीरे से कहा जय भी हो ही है परम हित, नारद सुनाओ तुम्हार, सोई में करवन आन कछु बचन न मृषा हमार। इसमें तुम्हारा परम हित होगा, हम वही करेंगे, कुछ और करेंगे ही नहीं। माया बेबस भये मुने मूढ़ा, समझी नहीं हरे विराज ने बूढ़ा। नारद जी को लगा कि परम चाहे हित करो चाहे परम हित, मेरे को तो मिलनी चाहिए। हित और परम हित में नारद जी को अंतर समझ में नहीं आया, और इसीलिए नारद जी वहां पहुंच गए। और हम सबको पता है भगवान ने नारद जी को बंदर का रूप दे दिया, लेकिन भक्त की और भगवान की संबंध की ऐसी खासियत है, ये तीन रूप नारद जी के एक ही समय में लोगों को दिख रहे। विश्व मोहिनी के अलावा नारद जी का बंदर रूप वहां किसी आम आदमी को नहीं दिखा, बाकी सबको वो नारद दिखाई दे रहे, जैसा रूप था वैसे ही हैं। राजकुमारी को बंदर दिखाई दे रहे,
और नारद जी अपने आप को माने बैठे विष्णु का रूप मेरे पास है। ये तीन स्थितियां हैं और यही हम सबके जीवन की हालत है। हम हैं कुछ और, दिखते कुछ और हैं, दिखना कुछ और चाहते। सारी समस्याओं की जड़ यही है। और हुआ नारद जी के साथ भी हुई, जेहिदि से बैठे नारद भूली, सोदि से तेहि न बिलोकी भूली। कन्या ने जैसे ही देखा बंदर भी स्वयंवर में आ गया, तो उस दिशा में ही नहीं देखा जिस तरफ नारद जी बैठे हैं। पुने पुने मोने उपस ही अकुला ही, नारद जी उपस रहे अकुला रहे। एक बार तो देख ले, इधर देख लेगी तो फिर कहीं और देखेगी नहीं। हास्य रस का उदाहरण है गोस्वामी जी का। पुने पुने मोने उपस ही अकुला ही, देख दशा हरगन मुस्कुराई। भगवान शंकर के दो गण मुस्कुरा के देख रहे थे, सारा चरित्र जानते हैं, विप्रवेश में सारा कौतुक देख रहे हैं। विष्णु भगवान वहां मनुष्य का रूप धारण करके स्वयंवर में पहुंचे। विश्वमोहिनी ने गले में वरमाला डाल दी, दुल्हन ले गए रक्षी निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। और सबसे ज्यादा परेशान कौन है? नारद जी। इतना सुंदर मेरे पास रूप और ये कि साधारण आदमी कैसे ले गया, ये फेल कैसे हुई योजना। तो धीरे से शंकर जी के गणों ने आके कह दिया, निज मुख मुकुर बिलोक हो जाई। अपना मुंह तो देख लो दर्पण में। ये हमेशा दर्पण का ध्यान रखना चाहिए, देखते रहो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। जैसी है सकल वैसी ठीक, जैसी है वैसी है क्या? हालांकि जैसी है वैसी रहने नहीं दे, लगातार उसमें जाने क्या क्या कहां कहां के ब्यूटी पार्लर काम कर रहे हैं। जैसी है वैसी परमात्मा ने जैसी दी है वैसी ही बनी रहे, क्योंकि सौंदर्य बाहर नहीं होता, सौंदर्य अंदर होता है। भारतीय शिक्षण मंडल ने एक प्रकल्प हाथ में लिया, किशोरी समग्र, नागपुर में उसका पायलट प्रोजेक्ट हमने चलाया। और उस पायलट प्रोजेक्ट में वहां की एक बहन है, इतना सुंदर विषय लिया उन्होंने, मैं सुंदर हूं इस विषय को उन्होंने आंतरिक सद्गुणों के आधार पर लिया। चेहरे से, बनावट से, लिपस्टिक पाउडर क्रीम इन सब से सौंदर्य नहीं आता, सौंदर्य आता है चरित्र के माध्यम से, सद्गुणों के माध्यम से। बहुत सुंदर विषय उन्होंने लिया, हरी डिमांड है उसकी प्रोजेक्ट की। जहां जहां जाते हैं अब वो कह रहे हमारे यहाँ किशोरी समुद्र का एक कार्यक्रम करवाओ बहनों के बीच। वो विषय किस तरह से परिणत हो गए आज वो उस सौंदर्य की ओर जा रही है, मानस में उसी का वर्णन। सौंदर्य किसका? निज मुख मुकुर विलोक हो जाई, क्योंकि देखने का यही तरीका है ना। या तो दूसरे की आंख से आपको अपना रूप समझ में आ सकता है, या दर्पण में देख के समझ में आ सकता है। दूसरे का रूप दिखाई देता है और दर्पण में अपना स्वरूप दिखाई देता है। रूप गड़बड़ होता है पर स्वरूप में कोई गड़बड़ नहीं होती, क्योंकि वह आत्म रूप ही होता है। इसलिए कभी ध्यान से देखना, कितनी ही बदसूरत शकल हो, जब आदमी दर्पण के सामने खड़ा होता है तो आत्ममुग्ध होता है। कभी बात इधर ठीक करेगा, कभी उधर ठीक करेगा, क्योंकि स्वरूप देख रहा है। दूसरे का देखेगा तो रूप और अपना देखेगा तो स्वरूप। इसीलिए हनुमान चालीसा का आरंभ करते हुए कहा था, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। इस मन रूपी दर्पण को साफ कर दो तब स्वरूप दिखाई देगा। और साफ कैसे होगा? श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के चरण कमलों की रज से ये दर्पण साफ होगा। क्योंकि मन रूपी दर्पण गंदा हो गया है, नयन तो है नहीं हमारे पास अंदर देख सकें, क्योंकि नेत्रों से तो केवल बाहर का रूप देखते हैं दूसरे का,
मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखहि किम दीना। राम का रूप दिखे कैसे, क्योंकि नेत्र है नहीं और मन का जो दर्पण है वो बहुत गंदा है, उसमें कोई चित्र नहीं आ रहा। जब तक इस मन के दर्पण को साफ नहीं किया जाएगा काम नहीं चलेगा। नारद जी को कहानी जब मुख मुकुर विरोह हो जाई, नारद जी ने जाके पानी में अपना चेहरा देखा और जैसे ही देखा तब समझ में आया ये क्या दे दिया मुझे, और सब भूल गए उन्हें। भगवान विष्णु के शिव जी के दोनों गणों को बुला के कहा पहले तुम प्रसाद ले जाओ। जाए निसाचर हो तुम कपटी पापी दो, हसे हम ही सो ले फल बहुरे, हसे मुनि को हमारे ऊपर हसे हो उसका प्रसाद लेते जाओ पहले, ताकि राक्षस हो जाओ। इसलिए दोनों रावण और कुंभकर्ण के रूप में परिवर्तित हुए। ऐसा प्रसंग संकेत करते हुए एक कल्प के अवतार का गोस्वामी जी ने कहा, और उसके बाद तो फिर इतना क्रोध है नारद जी के जीवन में, जो जो चीजें जीती थी वो सब आ रही है क्रमशः। काम आ गया, लोभ आ गया, ईर्ष्या आ गई और क्रोध भी आ गया। मरे हो दय हो साप के मरे हो जाई, अब तो विष्णु जी को साप दूंगा या अपने प्राण दे दूंगा। जगत मोर उपहास कराई, इतनी बड़ी जिद कर पाई मेरी दुनिया, ढूंढ रहे बस मिल तो जाए, और मिलने में वहां क्या देर थी। जैसे ही मन में इच्छा हुई मिल तो जाए, वो तो सामने ही खड़े थे। बीच ही मंथ मिले धनुजारी संग रमा सोई राजकुमारी, एक तरफ लक्ष्मी जी हैं, दूसरी तरफ वही राजकुमारी है। नारद जी का दिमाग खराब नहीं होगा तो क्या होगा बताओ, नारद जी की बेचारे की कोई गलती है। अच्छा खुद ही ले, अब समझ में आया मुझे। और जब आदमी क्रोध में होता है तब क्या हालत होती है उसकी। ये वो नारद जी हैं जिनका जीवन पूरा नारायण नारायण के गुणगान करने के अलावा एक क्षण भी जिसने कहीं नहीं बिताया हो संपूर्ण जीवन। उन नारद जी के अंदर क्या आ रहा है, दुनिया सच कहती थी तुम हो ही गड़बड़ शुरू से, स्वार्थ साधक सिद्ध तुम सदा कपट व्यवहार। विष्णु भगवान से कह रहे हैं तुम तो हमेशा से ही स्वार्थी हो, और विष्णु भगवान के सारे चरित्रों को इसी पैमाने पर देख रहे हैं, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आज पहली बार विष्णु भगवान के सारे गुण उन्हें अवगुण नजर आ रहे, तुमने तो हमेशा से सबके साथ ही गड़बड़ की है, मैं समझ ही नहीं पाया, मैं बेमतलब तुम्हारा भजन करता रहा काम काम, तुम तो हो ही गड़बड़। असुर सुरा विष संग्रह समुद्र मंथन कराया, आज समझ में आ रहा है तुम कितने गड़बड़ आदमी हो। शराब निकली बेचारे राक्षसों को दे दी, भोले भाले राक्षस। जहर निकला भोले भाले शंकर जी को दे दिया, आज उन्हें समझ में आया शंकर जी इनसे तो ठीक ही है। आप रमा लक्ष्मी निकली खुदल्ली, कौस्तुभमणि निकली खुदल्ली, अब समझ में आया मुझे तुम तो हो ही चालू। ये दृष्टि है पूरे मानस में काय के लिए बताया उन्होंने। जब नारद जी जैसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व का यह हो सकता है तो हमारी हालत कैसी होगी। हम सतत चिंतन करने की आवश्यकता है। गड़बड़ ध्यान में कहां से हुई है, प्रशंसा का एक शब्द कान में पड़ते ही ये संपूर्ण पतन। इसलिए हनुमान जी ने क्या रास्ता दिया था, राम ने बिल्कुल वैसी ही प्रशंसा की हनुमान जी की जैसी प्रशंसा विष्णु भगवान ने नारद जी की थी। ध्यान देना, रूख वदन करे वचन मृद बोले श्री भगवान। जब लंका जला के हनुमान जी लौटे तो रामचंद्र जी ने भी यही कहा, सुन सुत तो हिरण में नहीं। और प्रशंसा सुनने के बाद हनुमान जी ने क्या किया और नारद जी ने क्या किया, दोनों दर्शन आपके सामने।
नारद जी ने क्या कहा था? नारद जी ने चेहरा देखा ही नहीं विष्णु भगवान का। नारद कहे सहित अभिमान कृपा तुम्हारी सकल भगवान। और हनुमान जी ने क्या किया? सुन प्रभु वचन बिलो के मुख। जैसे ही प्रशंसा कान में पड़ी तत्काल भगवान का चेहरा देखा। दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा अंदर क्या है, ये चेहरा बता देता है प्रशंसा वास्तविक है कि नकली। सोने प्रभु वचन बिलो के मुख, राम का चेहरा देखा और समझ गए असली प्रशंसा कर रहे हैं। और असली प्रशंसा सुनने के बाद भी हनुमान जी ने क्या किया? गात हरस हनुमंत, अत्यंत प्रसन्न हुए मेरे प्रभु मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। पर एक साधक को क्या करना चाहिए? चरण परेउ प्रेमा कुल, राम जी के चरणों में गिर पड़े। त्राहि त्राहि भगवंत, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो, ये प्रशंसा मेरे कान में चली गई तो मैं कहीं का नहीं बचूंगा, आप ही कृपा करो ये प्रशंसा के कारण मेरे मन में कहीं अभिमान पैदा नहीं हो जाए। तीसरे भक्त का दर्शन बहुत अलग प्रकार का है। भरत जी के कान में भी प्रशंसा के शब्द पड़े। भरत जी चित्रकूट जा रहे राम को मनाने और भरत की दशा इतनी ऊंची है कि प्रयागवासी सारे के सारे भरत की जय हो भरत की जय हो कह रहे, क्योंकि भरत का चरित्र राम से ऊंचा है ऐसा लोगों को ध्यान में आया वहां। भरत धन्य धुन धन्य प्रयागा, भरत धन्य है, ये धन्य है कि ध्वनि कान में लगातार गूंज रही है। विचित्र स्थिति है भरत की। गोस्वामी जी ने तनी सुंदर पंक्ति लिखी, सुनत राम गुण ग्राम सुहाए। भरत को ये जय जयकार किसकी सुनाई पड़ रही है? संपूर्ण प्रयाग में जय जयकार हो रही है भरत की जय हो, लेकिन भरत का कान उसे कैसे ग्रहण कर रहा है? राम की जय हो राम की जय हो। भरत के अंदर ये जय जा ही नहीं रही कि भरत की जय हो, क्योंकि भक्त प्रत्येक स्थिति में ये मानता है कि जितनी भी जय जयकार है ये मेरी नहीं है, केवल मेरे परमात्मा की है। मैं जो कुछ भी हूं जितना भी हूं वह परमात्मा की कृपा के कारण हूं, इसलिए सारा श्रेय केवल और केवल परमात्मा को ही देता है, अपने खुद के लिए उसके जीवन में कुछ होता ही नहीं है। रत्ती भर मानस ने हमको सूत्र दिया, जीवन में प्रशंसा का वाक्य कान में पड़े तो कुंभकर्ण वृत्ति से बचना है। क्योंकि कुंभकर्ण क्या है? ये तामसी अहंकार है। अहंकार के तीन प्रकार, सात्विकी अहंकार, राजसी अहंकार और तामसी अहंकार। सात्विकी अहंकार का प्रतीक है जनक का धनुष, शिव धनुष। राजसी अहंकार का प्रतीक है बाली और तामसी अहंकार का प्रतीक है कुंभकर्ण। ये तामसी अहंकार अगर रोज जगेगा तो विश्व वेग सब चौपट हुई। तपस्या कर रहे थे रावण और कुंभकर्ण, ब्रह्मा जी ने देखा जो नित प्रति आहार कर सोई विश्व वेग सब चौपट हुई। यदि ये रोज आहार करेगा तो संसार तो चौपट हो जाएगा। इसका सूत्र अर्थ क्या है? तामसी अहंकार रोज नहीं जगा करता, पर जिस दिन जगता है फिर उसको कुछ और समझ में नहीं आता। इसलिए विभीषण से कहा कुंभकर्ण ने, सूझन निज पर, अब मुझे अपना और पराया नहीं सूझ रहा, तू मेरे सामने से हट जा, क्योंकि जो मेरे सामने पड़ेगा मैं उसे खा जाऊं।
स्थिति बहुत ऊंची है कुंभकर्ण की। इसीलिए ब्रह्मा जी ने शारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांगे से नींद मांस सट केरी। ब्रह्मा जी ने कहा क्या मांगते हो? उसने कहा 6 महीने सोऊं और 1 दिन जमूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ये तामसिक अहंकार 6 महीने सोता है पर किसी किसी दिन जग जाता है, जिस दिन जग जाता है उसी दिन सारा मटिया मेट। सास को कह देती है बहू उसी दिन, बहुत देर हो गई डुबरिया, कई बातें सुनते सुनते कब तक सहन करूं, ये कब तक सहन करूं, उसी दिन निकलता है जिस दिन ये तामसी अहंकार जगता है। और सास भी कह देती है भीख मांग के खा लूंगी पर तय संग नहीं रहूंगी। तामसी अहंकार रोज नहीं जगता, उसको नहीं मालूम कि भीख मांगना कितना कठिन है बहु बेटे के साथ रहने की तुलना में। और जग गया, जिस दिन जग गया उस दिन फिर इतनी कसमें देके निकलती है वो घर से, अब इस घर में पैर ही नहीं रखना मेरे को जिंदगी में कभी, जो खुद नहीं बनाया था। कोई कल्पना कर सकता है क्या कि पुत्र पिता से अलग हो जाए, बहू सास से अलग हो जाए? जिस बहू का इंतजार करती है सास 25, 26, 20, 22 वर्ष, जिस दिन पुत्र जन्म लेता है उसी दिन से उसकी कल्पना में बहू होती है, प्राणों से प्यारी रखना चाहती है, लेकिन उस बहू के साथ पटरी नहीं बैठती। और कारण क्या है? सरल कारण है, ये तामसी अहंकार, कुंभकर्ण 6 महीने सोता है, जिस दिन जग जाता है उस दिन फिर सामने किसी को नहीं पढ़ने देता, पर जब जगता है तब ठीक हालत में होता है। रावण ने जगाया कुंभकर्ण को, ठीक हालत में था, इतना अच्छा ज्ञानी है रावण को बढ़िया प्रवचन दिया कुंभकर्ण ने, सुंदर प्रवचन एकदम शानदार, जगदम्बा हरियाण के सठ चाहत कल्याण, जगत माता का अपहरण करके मूर्ख कल्याण चाहता है। अच्छा ध्यान में चला गया कुंभकर्ण, राम रूप गुण सुमिरत मगर भयउ क्षण एक, ध्यान में। पर रावण बहुत होशियार है, रावण जानता है क्षणिक ध्यान है बेटा कर ले। रावण मांगे कोटि घट मद और महिष अनेक, रावण ने कहा इसके लिए शराब लेके आओ और इसके लिए मांस लेके आओ। ज्ञानी और ध्यानी कुंभकर्ण एक क्षण में बदल दिया रावण ने, केवल उसका खान पान बिगाड़ के। कितनी सजगता होनी चाहिए खान पान में, क्या कर सकती है शराब जीवन में, कुंभकर्ण की स्थिति को देख लो। एक क्षण पहले राम रूप गुण सुमिरत मगन भयउ क्षण एक, और रावण ने जैसे ही शराब पिला दी और मांस खिला दिया, खान पान दोनों बिगड़ गए और कुंभकर्ण भी बिगड़ गया। तत्काल क्या कहने लगा, कहां राम रण हतो प्रचारी, कहां है राम बता, अभी मार के आता हूं राम। खान पान ठीक तो कुंभकर्ण की राक्षस होते हुए भी वृत्ति कैसी, अत्यंत श्रेष्ठ, लेकिन खान पान गड़बड़ तो तत्काल वो श्रेष्ठ वृत्ति किसमें परिवर्तित हुई, राक्षसी वृत्ति में। हमारे लिए सजगता का सूत्र क्या, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। खान पान के प्रति अत्यंत शुचिता और सजगता की आवश्यकता है, चाहे पुड़िया खा रहे हैं, चाहे दारू पी रहे हैं, चाहे मांस भक्षण कर रहे हैं, बहुत सजग और सावधान होना चाहिए। और मैं तो बहुत एक कदम आगे बढ़ के कहना चाहता हूं, कब खाना इसका भी विचार करना चाहिए। और भोजन के लिए जो सामान्य प्रक्रिया है, अल्पाहार बादशाह की तरह करो, राजाओं की तरह नाश्ता,
जबरदस्त पौष्टिकता से भरपूर, क्योंकि सवेरे पाचन शक्ति बहुत प्रबल होती है। दोपहर का भोजन आम आदमी की तरह और रात का भोजन भिखारियों की तरह, अगर थोड़ा बहुत मिल जाए तो खा लो। जैनों से सीखो, जैनों ने समाज को सूत्र दिया सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाचन शक्ति अत्यंत मंद होती है और रात का लेट खाया हुआ भोजन और गरिष्ठ ये रात भर चैन से सोने भी नहीं देता और सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठने भी नहीं देता। अलार्म बार बार बज के बंद हो जाता है। 4 बजे जब के ध्यान करेंगे, 4 बजे का अलार्म बजता है, पेट में अन्न बहुत गरिष्ठ है, इसीलिए मन कहता है 5 मिनट और। अलार्म बंद करके 5 मिनट सोते हैं और कब 6 बज जाते हैं पता ही नहीं लगता। 3 दिन ऐसे ही 6 बजते हैं तो अलार्म ही हटा देते हैं, अब हम तो जग ही नहीं पाते। कुंभकर्ण के चरित्र से शिक्षा देते हैं, खान पान ठीक करना चाहिए। ये तामसी अहंकार जीवन से इस सारी शुचिता के साथ ही ठीक हो सकता है। इसीलिए कुंभकर्ण जैसा राक्षस पात्र भी हमको जीवन में सजगता की चेतावनी देकर जाता है। इसलिए सूत्र समझें और अपने जीवन को परिवर्तित करने का प्रयत्न करें। समय हो गया है, यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। कल किसी और पात्र के बारे में चर्चा करेंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ओम शांति शांति।